I'm from Karachi, alongside Chishti Mujahid. And again, a premeditated shot. Saeed planted well, set the batsman up, and picks up this wicket. Another wicket falls, Chishti, 54 for 4 now. Shahzeb Hasan taking the catch in the countryside on the onside. This one is played into the air, and there's Shahzeb Hasan waiting for it. Thank you very much. Has a glance behind him to see how far is the boundary line. Asif Zakir out, caught. Shahzeb bowled Saeed Ajmal for 4. Shah boy. ऑफसाइड में खेले सीधा फील्डर के हाथों में और सईद अजमल एक और कामयाबी हासिल करने में कामयाब. एक और बैट्समैन आउट कराची वाइट्स का और कराची वाइट्स की कारकर्दगी यकीनन अब मजीद डाउन होती हुई इस मुकाबले में और 40 गेंदों पे 84 रन सही. ये आउट होने का मंजर बैक फुट पे बैक किया ऑफ साइड में और सीधा फील्डर के हाथों. बॉल जिस पोजिशन में अकबर अपने आप को ले गए थे वहां से सिर्फ वो आउट ही हो सकते थे. कोई बैलेंस नहीं था. If wickets are in hand, it can turn out to be a very interesting chase. In fact, a very interesting match. As the Karachi Blues will look to pick up wickets, and the Fata batsmen will look to cut the deficit as much as possible. They won the first match, and he goes, takes the aerial route. That'd be a catch. Strike in the fielder's hands. They don't come easier than that. Saeed Ajmal is lucky in breaking that partnership. Bilal Asif is going to walk back, and just when we thought a partnership was building, the magician comes in, breaks the partnership, and puts Karachi Blues right in the driver's seat. Yes, Bilal Asif was deceived. Saeed Ajmal just hurried that ball through a bit, and Shahzeb Hasan has those for breakfast. No problem on that one. Bilal Asif goes, caught Shahzeb Hasan, bowled Saeed Ajmal for 30, the strike rate of 96.77, 2 fours, 2 sixes. और मैं ख्याल जितने भी स्पेक्टेटर्स ग्राउंड में आए हैं उनको शाबाशी देनी चाहिए क्योंकि एक बहुत ही सख्त गर्मी में ये लोग ये मैच से महसूस हो रहे हैं. ठीक है सर, कल दे रहे हैं जी. कई मरतबा इवेंट मुल्तान में कराने की तैयारी की गई, लेकिन कभी हालात की वजह से, कभी खराब मौसम की वजह से इवेंट मुलतवी हुआ मुल्तान में, और अब बिलाखिर मुल्तान तक ये T20 क्रिकेट पहुंची PTV स्पोर्ट्स के जरिए पूरी दुनिया की निगाहों तक. सईद अजमल की फ्लैटेड डिलीवरी, इसको उठा के खेलने में कामयाब, और एक आसान कैच है मोहम्मद वकास की जानेब जिसको लेने में कोई गलती नहीं की मोहम्मद वकास ने. बॉल के नीचे आकर एक बहुत जोरदार शॉट खेलना चाहते थे मगर एलिवेशन पूरी तरह हासिल नहीं कर सके. बॉल में शॉट देती जान नहीं थी और थोड़ा सा फ्लैटेड बॉल भी किया था सईद अजमल ने, और एक आसान कैच लॉन्ग ऑन फील्डर के लिए. इस तरह मोहम्मद इमरान 6 रन बनाकर आउट हुए, 6 गेंदों का सामना किया. सईद अजमल का शॉर्ट बॉल उठा के खेल रहे, देखना है कि कैच होंगे या नहीं. फील्डर नीचे आ रहे हैं और ये शोएब मकसूद आउट हो जाएंगे. मोहम्मद असगर का एक और जबरदस्त कैच. जी वही बात मैं जो सोच रहा था वो शोएब मकसूद ने की, क्योंकि राउंड द विकेट जब बॉल आप कर रहे हो तो आपके पास पेस नहीं होती, आपके पास जगह नहीं होती, और इसको जबरदस्ती मिड विकेट के ऊपर खेलने की कोशिश की और इसको बहुत ऊंचा खेला, और मोहम्मद असगर ने बड़ा वेल जज कैच लेकर एक और अच्छी कामयाबी हासिल की कराची के बॉलर सईद अजमल ने. शोएब मकसूद 4 रन बनाकर आउट. न्यू बैट्समैन इज मुसद्दक अहमद. ट्रिपल सेंचुरी कौन भूल सकता है, 24 गेंदे 44 रन. अली आप माशाल्लाह सारे रिकॉर्ड याद हैं और जबरदस्त याददाश्त है. तमाशा यू की अच्छी खासी तादाद यहाँ मैं देख रही हूँ और एंजॉय कर रही है. ठीक है. रोशनी के Okay.
स्मर्थबॉट आगे खेलने में कामयाब हुए, काफी ऊंचा खेले और फिल्डर गेंद के नीचे बहुत ही उम्दा कैच वकास की जानिब से और ये कैच मैच में वापस ला सकता है कराची ब्लूज को। सईद अजमल है बॉलर और उसको स्वीप किया ऊंचा शॉट और फील्डर ने बहुत ही इत्मीनान से कैच किया, मुसद्दिक आउट हुए। 121 रन चार खिलाड़ियों के नुकसान पर। मुसद्दिक ने एक रन बनाया, सात गेंदें फेस की। अभी डेंजर मैन इफ्तिखार मौजूद हैं, जब तक वो मौजूद हैं गेंद तक पहुंचे, दो रन का मजीद इजाफा, कराची एक स्टेप और आ गए और अब सिर्फ 8 रन चाहिए 13 गेंदों पर। असद शफीक को 88 रन चाहिए, अगर दो छक्के मारे तो ही कैन गो फॉर 100। हल मैच जीतना इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है इनकी अपनी माइल स्टोन होगी, मगर इन्होंने जो कारनामा अंजाम दे दिया है अपनी टीम के लिए वो उस सेंचुरी से भी बहुत ज्यादा ऊपर वो कंसिडर किया जाएगा। बिल्कुल, कंट्री एंड टीम कम्स फर्स्ट जैसा क्रिकेट में कहा जाता है। आपकी इंडिविजुअल कारकर्दगी यकीन सेकेंडरी है, आप पहले अपनी टीम के लिए खेलते हैं। और इस गेंद को अपेश क्लांस किया, बड़ा खूबसूरत गैप में प्लेस किया और गेंद लॉन्ग लेग और फाइन लेग के दरमियानी जगह पर बाउंड्री से बाहर, एक और चौका। बहुत ही नफासत भरे स्ट्रोक्स भी इनकी इनिंग्स में है और हैमरिंग भी है। आज आउटस्टैंडिंग इनिंग है, आज इन्होंने जो जहां चाहा वहां शॉट खेला, जहां चाहा इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी स्पॉलिंग स्टिंट में। उमर ने कदमों का इस्तेमाल किया, स्ट्रेट अप इन द एयर, आउट होने का खतरा, कवर के फील्डर गेंद के नीचे, अजमल गॉट अ बिग वन, उमर अकमल आउट, सईद अजमल बहुत ही खुश और होना भी चाहिए, बड़ी विकेट, खूबसूरत बॉलिंग का मुजाहिरा आजर खान। फ्रस्ट्रेट किया उमर अकमल को, डॉट बॉल किए, बॉल के नीचे नहीं आने दिया, बहुत शौक से हिटिंग करते हैं उमर अकमल। ये बॉल सीधा था, पिच पर आए मगर एलिवेशन तो हासिल की मगर टाइमिंग कोई नहीं थी और बॉल बहुत ऊंचा गया और असगर ने ये कैच लेकर एक बहुत ही बड़ी कामयाबी कराची को दिलवाई और सईद अजमल मैन ऑफ द मोमेंट। नए बैट्समैन के लिए काफी मुश्किल होता है सईद अजमल जैसे बॉलर्स को स्ट्राइक करना और आज जो मैं देख रहा हूँ रानेश पाक, वो सईद अजमल की जो बॉल की पेस है वो काफी बेहतर है पिछले मैचेस से। और बढ़िया फिंगर और सईद अजमल इज ऑन फायर, पेस भी बेहतर, कंट्रोल भी बेहतर, लाइन और लेंथ पहले से भी अच्छी। दो ओवरों में तीन खिलाड़ी सईद अजमल आउट कर चुके हैं और लाहौर वाइट स्टॉटरिंग। जहांदाद हैज नो क्लू अबाउट दिस बॉल, देखें बल्ला उनका बाहर से आया। बैक फुट पे गए, बोल कर दिया सईद अजमल ने, बढ़िया हम कामयाबी दिलाई अपनी टीम को और लाहौर वाइट्स का दूसरा नुकसान। बाबर आजम बोल्ड हो गए, बैक फुट पे जा रहे थे और अजमल जिस तरह मैंने कहा बड़े होशियार बॉलर हैं, ही हैज डन इट। मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि कट का बहुत शौक है और ये गेंद जो था वो बहुत करीब था बाबर आजम के, इतनी विथ नहीं थी, इतना रूम नहीं था और बॉल भी थोड़ा सा तेज किया हुआ था सईद अजमल ने और स्ट्रेटन वन था उनका, बॉल स्पिन नहीं हुआ और जगह बना के कट मारना चाहते थे बाबर आजम और इतना बोल्ड होके अपनी गाइल्स और अपनी वेरिएशन और अपने स्ट्रेटन वन और अपनी पेस का बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने स्पॉलिंग स्टिंट में। उमर ने कदमों का इस्तेमाल किया, स्ट्रेट अप इन द एयर, आउट होने का खतरा, कवर के फील्डर गेंद के नीचे, अजमल गॉट अ बिग वन, उमर अकमल आउट, सईद अजमल बहुत ही खुश और होना भी चाहिए, बड़ी विकेट, खूबसूरत बॉलिंग का मुजाहिरा आजर खान। फ्रस्ट्रेट किया उमर अकमल को, डॉट बॉल किए, बॉल के नीचे नहीं आने दिया, बहुत शौक से हिटिंग करते हैं उमर अकमल, ये बॉल सीधा था पिच पर आए मगर एलिवेशन तो हासिल की मगर टाइमिंग कोई नहीं थी और बॉल बहुत ऊंचा गया और असगर ने ये कैच लेकर एक
बहुत ही बड़ी कामयाबी और सईद अजमल मैन ऑफ द मोमेंट पिछले मैच से बड़ी अच्छी गेंद अप क्रॉस द फिंगर और सईद अजमल इज ऑन फायर। पेस भी बेहतर, कंट्रोल भी बेहतर, लाइन और लेंथ पहले से भी अच्छी। दो ओवरों में तीन खिलाड़ी सईद अजमल आउट कर चुके हैं और लाहौर वाइट शॉटरिंग। जहांदाद हैज नो क्लू अबाउट दिस बॉल। देखें बल्ला उनका बाहर से आया और बॉल जो है वो बिल्कुल स्टंप्स के बीच में पिच किया और इट वॉज मिसिंग लेग स्टंप एंड ऑफ स्टंप बट इट वॉज हिटिंग द मिडिल स्टंप। वेल डन अजहर खान, जहांदाद बगैर कोई रन बनाए आउट। सकी भाई जी, सईद अजमल ऑन अटैक है, 110 रन चाहिए 60 गेंदों पर। जोरदार हिट, फील्डर गेंद के नीचे, वाइड मिड ऑन पर कैच और सईद अजमल विकेट लेने में कामयाब। इस तरह बड़ी अहम कामयाबी, एक और नुकसान लाहौर ब्लूज को। मिड विकेट की जानिब खेला, एक ही फील्डर उधर मौजूद और सीधा उसके हाथ में और अच्छा ब्रेक थ्रू सईद अजमल ने। रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता चला, बड़ी उम्दा कारकर्दगी। 20 में बहुत इकोनॉमिकल रहे, वनडे में बहुत इकोनॉमिकल इन विकेट टेकिंग और टेस्ट मैचेस में भी। इस गेंद को हवा में खेले और बड़ी उम्दगी के साथ फील्डर ने कैच किया, शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। एक और कामयाबी सईद अजमल की और सईद अजमल अब हकीकतन बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा आज कर रहे हैं। सकलैन पहले दो मैचों में भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, इकोनॉमिकल भी रहे और दो दो विकेटें भी हासिल की और ये टॉप एच लगी स्वीप खेलने की कोशिश। सीधा 45 पे जो फील्ड थे, कोई मुश्किल कैच नहीं था। मैं ये समझता हूं कि इसको अगर हाई टू लो खेला जाता तो मैनेज कर लेते। जब लो मोस्ट सीनियर चिश्ती मुजाहिद इनके साथ साथ, न सिर्फ आप जब डॉक्टर नौमान और चिश्ती मुजाहिद कमेंट्री पे होते हैं तो इस मैच को एंजॉय नहीं करते। ये विकेट भी गिर गई है। So that's a six wicket to go down. Thank you, Rana Saab. 99 for six, and probably the writing is on the wall. And three wickets for Sayyid Ajmal with his newly modelled action. But मैं सिर्फ एक लफ्ज़ ये कहना चाहता हूँ कि आप दोनों के होते हुए चिश्ती मुजाहिद और आपके 1754, 1854 सब हमें सुनने का जो है वो एजाज हासिल हो जाए। हमारे जमाने की बातें होती हैं। Over to Wasim. Mohammad Wasim joining me here at the commentary box, and Fahim Ashraf gone for four. Sayyid Ajmal in the wickets, 3 for 27, still one ball to complete his spell, and with a newly modelled action and his mentor and his rehabilitationist Saqlan Mushtaq may well have discussed how he tried to get his action right and within the parameters of orthodoxy. Yeah, 3 for 27 so far for Sayyid Ajmal. He's been really good today. Let's go, the next man in. 21 years of age. And look at the strike rate, over 135. A promising cricketer. His name was around for a while and then suddenly he also disappeared. Zafar Gaur was picked on the Pakistan team as a reinforcement against England. Missed his flight, kept on sleeping and didn't make his test match debut against England when Yasir Shah was injured. So that was a little strange that you had been picked up, and he said that I couldn't receive the ball. He's gone. So another one. Fourth one for Sayyid Ajmal. First ball, that for Zafar Gaur. It was a good delivery. It was a bounce. Not much turn. He was trying to play it on the up. Good catch from the wicketkeeper. So Sayyid Ajmal picking up another wicket on the last ball of his spell. Zafar Gaur. So four was not in, 4 for 27, and Wasim Bangish took it very nicely, and probably very difficult to take behind once it comes close to your body. In the air and taken for Wahid Alam this time, and the magician straight away into the egg, picking up a wicket on his second ball. So further problems for Karachi Whites. 19th wicket for Sayyid Ajmal.
highest wicket taken in the tournament so far. Comes, sees, picks up a wicket. That's exactly how he gets the captain out. Akbar Rahman, bye bye. Thank you very much. Another chance for the keeper, and I think he nicked it. I thought he missed out on the stumping. It was a big nick. Another wicket for Syed Ajmal. So wicket number 20 for Syed Ajmal. This time Danish Aziz, he was moving too much in his crease. First he went down towards the leg side and then he decided to charge. Ended up too far away from the ball. And look at the excitement from Syed Ajmal. He likes his energy. It's still up there, isn't it? Absolutely, the hunger is there.